सो वेलकम है फ्रेंड्स, आप सभी का आप ही के चैनल में जिसका नाम है हम सफ़र आशीष। तो चलिए चलते एक नए सफ़र पर। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे और खुश होंगे। तो यस, मैं जिसके लिए बैंगलोर आया था, अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, वो हमारा ऑफिस का पार्टी था, वो ओवर हो चुका है। एंड वो था 17th को, एंड मैंने सोचा कि अगर बैंगलोर में जा ही रहा हूँ तो चलो एक वन मोर वीक जो एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा ऑफिस से भी काम हो जाएगा एंड फ्रेंड्स के साथ भी मिलने का टाइम मिलेगा। तो अभी जो है वो आज मेरा लास्ट दिन है बैंगलोर में। तो कल है 25th ऑफ सितंबर एंड मेरा रिटर्न ट्रेन है उड़ीसा के लिए कल। मैजेस्टिक से ट्रेन है 1:40 PM को, बट मुझे यहाँ से 11 बजे ही निकलना है क्योंकि लास्ट टाइम भी सेम ट्रेन था एंड मैं यहाँ से निकला था 12 बजे एंड मैं बहुत ही लास्ट में पहुँचा था। वो तो लकीली ट्रेन जो है वो 7 मिनट्स लेट था, तो मैं इजीली वहाँ पहुँच गया। तो वो इस बार रिस्क नहीं लेना है मेरे को, तो सुबह ही 11 बजे यहाँ से मेरे को निकलना है। उसके लिए मुझे पहले बहुत जल्दी पहले उठना भी पड़ेगा। तो पैकिंग अभी तक हुआ नहीं है, सबसे टेंशन वही है। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अभी सोने से पहले पैकिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि कल के लिए हेडेक ना रहे और मैं टाइम पे निकल सकूँ। तो ये सारा पैक करना है एंड टेंशन ये है कि इतना सारा सामान इस बैग में आ पाएगा कि नहीं। तो चलिए ट्राई करते हैं सारा पैक अच्छे से हो जाए ताकि टेंशन जाए। सो फाइनली बहुत मुश्किल के बाद सारा पैकिंग मैंने कर लिया है। एक्चुअली लैपटॉप बैग में भी सामान कुछ रखना पड़ा, तो मैंने बस लैपटॉप को जो है इस बैग में अच्छे से थोड़ा कपड़े के अंदर ऐसे डाल के रख दिया है ताकि उसको डैमेज ना हो। एंड उस बैग में भी थोड़ा सामान आ गया है। सो यस, एक टेंशन गया, अब सुबह बस उठ के निकलना है। तो यस, ये पैकिंग करते करते हालत पूरा ख़राब हो गया है और रात का भी बज गया अभी 12:30। तो चलिए मैं चलता हूँ सोने के लिए, फिर सुबह उठ के आपसे मिलता हूँ, कल निकलना भी है जल्दी। तो बने रहिए सफ़र में एंड इन्जॉय कीजिएगा कि जैसे मेरा ट्रेन का सफ़र किस तरह से मैं जा रहा हूँ, क्या क्या मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, कैसा लगा मेरे को अकेला ट्रैवल करके। वैसे तो मैं बहुत अकेला ट्रैवल करता हूँ, बट यस फिर से एक नया जर्नी है, तो मेरे हम सफ़र बने रहिए, मिलते हैं कल आपसे। सो यस फ्रेंड्स, फाइनली मैं निकल गया हूँ रूम से एंड बहुत ही मुश्किल से मिला है कैब ढूंढ ढूंढ के, मतलब इसी में वेस्ट हो गया मेरा 30 मिनट्स। दैन फिर एक ऑटो मिला मुश्किल से, तो बस अभी मैं निकल गया हूँ। तो पहुँचते हैं पहले स्टेशन, फिर आपसे मिलते हैं। तो यस फ्रेंड्स, मैं आके पहुंच गया हूं स्टेशन में एंड मैंने सारा अपना लगेज वगैरह पूरा अच्छे से ट्रेन में भी रख दिया है। बस अभी और 15 मिनट बाकी है निकलने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सोचा कि बाहर आ जाता हूं क्योंकि अब तक अंदर एसी ऑन नहीं हुआ है तो गर्मी लग रहा था, तो सोचा कि चलो बाहर आ जाता हूँ तो आप लोगों से भी थोड़ा सा अपडेट दे दूँगा आपको भी। तो ट्रेन जो है यहाँ से 1:40 को निकलेगा एंड ये कल भुवनेश्वर में पहुँचेगा इवनिंग को 6:50 PM पे। ऑन टाइम है वो, बट अगर कुछ डिले होता है तो फिर अलग बात है, फिर वहाँ से मेरे को फिर दूसरा ट्रेन पकड़ के मेरे को अपने घर निकलना है अंगुल के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो ये ऊपर वाला सीट मेरा है, तो अभी के लिए नीचे कोई आया नहीं है, बैठ जाता हूँ। एंड भूख लगी थी तो बिरयानी मैंने ले लिया है, तो चलिए खाते हैं। इंडियन रेलवे का ये अपग्रेड बहुत अच्छा लगा, सारे टीटी के पास टैब है नेम वेरीफाई करने के लिए पैसेंजर्स का। सो यस फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ, जैसे ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ था लंच करने के बाद मैं ऊपर आके पूरा सो गया। एक तो एसी का जो चिल ठंडी हवा लग रही थी एंड ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के मस्त नींद पूरा किया हूँ। अभी बज रहे हैं 7:30, तभी उठा हूँ तो ऑर्डर दिया हूँ, अभी जस्ट आए थे वो भी उठा इस वजह से क्योंकि ऑर्डर लेने के लिए आए थे कि डिनर चाहिए कि नहीं।
तो उसके वजह से जस्ट उठा हूँ, तो वेट कर रहा हूँ कि कोई चाय वाला आए, अगर तो चाय भाई पीते हैं, जाता हूँ थोड़ा मुँह हाथ धो के नीचे से वापस आता हूँ। यस फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो बस मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था एंड मैंने ऑर्डर किया था इडली एंड वड़ा, तो वो नाश्ता करके ऐसे बस लेट के कुछ वीडियोज़ वगैरह देख रहा था। तो क्योंकि नीचे मैं आ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट फैमिली है जो नीचे कंपार्टमेंट में एंड वहाँ पे बच्चे भी, उसके वजह से जो है वो मैं नीचे आने का मन नहीं कर रहा है। बहुत चील खिला रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सिर्फ अपने, मेरा साइड अपर सीट है वहीं पर ही लेटा रह रहा हूँ, उनको अपर सीट पर बैठ रहा हूँ। तो यस, तो ऐसा चल रहा है अभी तक का सफ़र। तो वो तो मैं लकीली कुछ वीडियोज़ जो है वो डाउनलोड करके ले आया था यूट्यूब में एंड अमेज़ॉन में, तो वही देख देख के टाइम पास हो। तो अभी मैंने ऑर्डर दिया है लंच के लिए, तो वो जब लाके लंच देता है तो फिर से करना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी फिर से ऊपर जाके, थोड़ा सा लेट के कुछ वीडियो देखते देखते सुबह मिलते हैं फिर आपसे। एंड ये जो ट्रेन है ये पहुँचेगा शाम को 7 बजे, 6:50 टाइम है, बट कुछ डिले तो होता ही है नॉर्मली, तो 7 बजे तक पहुँचने का अभी तक तो फाइट टाइम दिखा रहा है, पर देखते आगे जाके कुछ डिले होता है क्योंकि ये ट्रेन जो है प्रशांति एक्सप्रेस, इसको बहुत ही रोक रोक है, इसको थोड़ा सा भी अगर लाइन क्लियर नहीं होता तो इसी ट्रेन को रोक दिया जाता है, जिसे सुपरफास्ट ट्रेन को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो ये एक इस ट्रेन का बन आई है, तो इसलिए ये 30 आवर्स होता है बैंकॉक से मुंबई तक। फिर मैंने अपना लंच किया जो कि बहुत ही टेस्टी था। पनीर पकोड़े, गरम नाश्ता, पनीर पकोड़े, पनीर पकोड़े। के बाद मेरा दूसरा ट्रेन था तो वो आ गया, उसमें मैं बैठ गया एंड मुझे सोना नहीं था वरना मेरा अनगुल का स्टेशन जो है मिस हो जाता, इसलिए मैंने कुछ चाय पिया अपना नींद तोड़ने के लिए। तो यस फ्रेंड्स, मैं भुवनेश्वर से फिर ट्रेन चेंज करके अनगुल के लिए जो ट्रेन में बैठ गया हूँ, ये है पूरी दुर्ग इंटरसिटी, उस ट्रेन में मैं जा रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं 11:40 एंड अभी तालचे रोड में ट्रेन रुका है, ये जस्ट इसके बाद ही है अनगुल का स्टेशन, बट यहाँ पर 20 मिनट का हॉल्ट है। तो मैं पहुंचते पहुंचते अराउंड 12:30 हो जाएगा अनगुल के रेलवे स्टेशन, फिर वहां से 10-15 मिनट्स में मेरा घर है। तो पापा लेने के लिए आ रहे थे, बोल रहे थे, बट मैंने उनको मना किया कि नहीं इतनी रात को मत आओ, मैं ऑटो करके चला जाऊंगा। तो पहले अनगुल पहुंचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। यस फ्रेंड्स, मैं फाइनली आके पहुंच गया हूं अनगुल के रेलवे स्टेशन में। पूरा जो जर्नी था वो था अराउंड 36 आवर्स का, जिसमें से 30 आवर्स था मेरा बेंगलोर से भुवनेश्वर के लिए जो कि था प्रशांति एक्सप्रेस में, उसके बाद 2 आवर्स का हॉल्ट था भुवनेश्वर स्टेशन में ही, उसके बाद पूरी दुर्ग इंटरसिटी में 4 आवर्स लगे मेरे को भुवनेश्वर से अनगुल के लिए। जस्ट अभी मैं पहुँचा हूँ तो पहले ऑटो से बात करता हूँ कितना क्या लगेगा, पूरा थक गया हूँ, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे। मैं से पहले सोच रहा हूँ कि आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँ कि कैसा था मेरा एक्सपीरियंस प्रशांति एक्सप्रेस में। तो मैं बताऊँगा कि ये मेरा पहला एंड आखिरी है जो मैं प्रशांति में जा रहा हूँ, क्योंकि 30 आवर्स का टाइम लगता है पहला तो, बट यस अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है तब इसको मैं लास्ट प्रायोरिटी में रखूँगा। बट अगर मैं इसके पहले पॉजिटिव बात करूँ तो फूड जो है वो टाइम टू टाइम आता है एंड जो IRCTC के से आप अगर फूड लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, उनका क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छा रहता है। बट यस 20-30 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे वेज का ही 150 रुपीज़ प्लेट है, बट जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है एंड पैकेजिंग भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, हाइजीन लगेगा एंड टाइम टू टाइम वेंडर्स लोग भी आते रहते हैं चाय के लिए, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, लंच, डिनर, स्नैक्स, वो सब आपको टाइम टू टाइम आते रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी, पानी का बोतल, सब कुछ मिलेगा, वो एक अच्छा चीज़ था। बट जो डीमेरिट लगा मेरे को, जो मैं इंजॉय नहीं किया, वो था कि एक तो क्लीनिनेस वो बिल्कुल नहीं था,
थर्ड एसी होने के बाद भी मैं उसको पॉइंट दूंगा 5.5, बट लास्ट टाइम जब मैं आया था स्लीपर में वो तो पूरा ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं उसमें दूंगा तो वो 0 ही दूंगा आउट ऑफ 10 हर एक चीज़ में, चाहे वो क्लीनिनेस हो या फिर चाहे वो सीट हो, क्योंकि आपको वो पूरा लोकल की तरह लगेगा। आपका अगर सीट कंफर्म भी रहता है फिर भी आपको जो है वो लगेगा कि आप जो हैं वो जनरल बॉगी में आए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आपको लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस देगा स्लीपर में भी। तो आप थर्ड एसी अगर करते हैं तो थर्ड एसी ज़रूर कीजिएगा मिनिमम या फिर उसके अबव। तो यस, ऐसा था एक्सपीरियंस, तो आप देख के ही जाइएगा क्योंकि मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ इस ट्रेन से। अगर ये लास्ट मेरे को ऑप्शन मिलता है कि दूसरा कोई ट्रेन नहीं है अवेलेबल, देन ही मैं इसमें जाऊँगा। सो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आपके सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। स्प्रेड द लव। थैंक यू सो मच।